भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नायक जिसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति शुरू हुई। इस नायक ने मंगल पांडे के बलिदान के बाद मेरठ से क्रांति की शुरुआत की और अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। पर यह बहुत शर्म की बात है कि आज हम में से बहुत सारे या ज़्यादातर लोग इनका नाम भी नहीं जानते, जो थे धन सिंह गुर्जर जी। तो कौन थे धन सिंह गुर्जर और क्यों गुर्जरों को अंग्रेजों ने चोर या अपराधी कहा, आइए जानते हैं सब कुछ हिस्ट्री नामा में। तो जय हिंद दोस्तों, और हिस्ट्री नामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरठ वो शहर है जिससे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, और इस क्रांति को शुरू करने का श्रेय जाता है कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, जो थे तो एक कोतवाल, पर उन्होंने क्रांतिकारियों की उस भीड़ को इकट्ठा किया और उसका नेतृत्व करके आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की। धन सिंह गुर्जर के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना होगा। तो 8 अप्रैल को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी जा चुकी थी। इससे बाकी के रेजिमेंट्स के बहुत सारे सिपाहियों में बेहद गुस्सा था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से मजदूरों और किसानों का जीना बहुत कठिन हो चुका था। अंग्रेज़ों की जो कृषि नीति थी उसका इकलौता मकसद ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना था। इसी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों ने महालवाड़ी सिस्टम शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत पूरे गांव से एक साथ लगान तय किया जाता था और गांव का मुखिया या लंबरदार एक साथ पूरे गांव से लगान वसूल करता। ऊंचे दरों की लगान की रकम जब मजदूर या किसान नहीं दे पाते तो उन्हें बेइज्जत करना, कोड़े मारना या उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देना एक बहुत आम बात हो चुकी थी। अब धन सिंह गुर्जर जी का जन्म मेरठ के पांचली खुर्द गांव में हुआ था, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि ये भी एक किसान परिवार से थे और इनके पिता गांव के मुखिया थे। यानी गांव के किसानों को जब सज़ा दी जाती अंग्रेज़ों के द्वारा, तो कहते हैं कि इनके घर के अहाते में ही दी जाती। यानी इन्होंने बचपन से किसानों का दुख देखा था। दोस्तों, यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये वो वक्त था जब गुर्जरों के बीच, गुर्जर समाज में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा था। दरअसल हुआ ये कि मेरठ में गुर्जर एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी हुआ करती थी, जो किसानी या पशुपालन का काम करते थे, पर अंग्रेज़ों के रूल में गुर्जरों से उनकी बहुत सारी ज़मीन छीन ली गई थी। इसी के साथ क्रांति से कुछ महीनों पहले धन सिंह गुर्जर के गांव में एक विवाद को लेकर 3 किसानों को फांसी पर लटका दिया गया था। कई सारे किसानों पर कोड़े बरसाए गए थे और कई सारे किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली गई थी। बचपन से किसानों का दुख देखने वाले धन सिंह गुर्जर जी को अब ये सब देखा नहीं गया। साथ ही बंगाल में मंगल पांडे की फांसी ने आग में घी का काम किया और नतीजा ये हुआ कि धन सिंह गुर्जर जी के दिल में अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत पैदा होने लगी। अब 9 मई को मेरठ कैंट के 85 सैनिकों ने परेड करने से इनकार कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी। उन्हें फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया और धन सिंह इसी तरह के किसी मौके की तलाश में थे। धन सिंह अपने आसपास के गुर्जर बहुल्य गांव जैसे घाट, नंगला या गगोल आदि के संपर्क में थे और उनका संदेश मिलते ही मेरठ और आसपास के इन गांवों से हज़ारों की संख्या में जो ग्रामीण थे वो मेरठ की तरफ रवाना हो गए और मेरठ का जो सदर कोतवाली है उसके क्षेत्र में जमा हो गए। ये वही कोतवाली थी जिसमें धन सिंह गुर्जर जी कोतवाल थे। 10 मई को धन सिंह कोतवाल ने, जो अंग्रेज़ों के कुछ वफादार पुलिसकर्मी थे, उन्हें कोतवाली के अंदर जाने का आदेश दिया, जिससे वो जो पुलिसकर्मी थे वो क्रांतिकारियों के रास्ते में ना आ सकें। इसके बाद रात के 2 बजे धन सिंह के नेतृत्व में उन क्रांतिकारियों ने कोतवाली पर हमला कर दिया और कहते हैं कि जेल से 836 क्रांतिकारियों को, 836 कैदियों को उन्होंने रिहा कर दिया। इसके बाद उन्होंने जेल में आग लगा दी और जो कैदी रिहा हुए थे वो भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। इसके बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मेरठ में अंग्रेज़ों से संबंधित हर चीज़ को नष्ट कर दिया।
इसके बाद मेरठ के देहातों तक ये क्रांति फैलती गई और रात में ही मेरठ से जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धन सिंह गुर्जर उस क्रांतिकारी भीड़ के नेता के तौर पर उभरे जिसमें किसान थे, आम जनता थी, पुलिसकर्मी थे और सैनिक भी थे। धन सिंह गुर्जर मेरठ के ही थे, रौबदार व्यक्तित्व के शख्स थे, पुलिस में ऊंचे पद पर थे और आसपास के जो लोग थे उनका धन सिंह गुर्जर के ऊपर काफ़ी विश्वास था। साथ ही धन सिंह गुर्जर का जो गांव था वहां की जो गुर्जर आबादी थी और साथ ही आसपास के गांव की जो गुर्जर आबादी थी उनका भरोसा धन सिंह गुर्जर पर काफ़ी ज़्यादा था और यही सब वो कारण थे जिनसे धन सिंह गुर्जर इस क्रांति के नेता के तौर पर उभरे। अब इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मेजर विलियम्स के अंडर एक कमेटी बनाई जिसमें मेजर विलियम्स ने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि धन सिंह गुर्जर ही इस क्रांति के असली दोषी थे। जो गवाहियां हुई उनमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि धन सिंह क्योंकि खुद एक गुर्जर हैं इसलिए उन्होंने गुर्जरों की भीड़ को रोका नहीं क्योंकि क्रांतिकारियों की भीड़ में ज़्यादातर लोग गुर्जर थे। धोखे और जुल्म पे टिकी ब्रिटिश हुकूमत के इतिहासकारों ने ये लिखा कि 1857 की जो क्रांति थी वो मात्र सैनिकों के बीच असंतोष का एक नतीजा थी और इसमें आम नागरिकों का कोई सहयोग उन क्रांतिकारियों को प्राप्त नहीं था। जबकि हम सब जानते हैं कि ये जो क्रांति थी इसमें आम नागरिकों ने भी उन सैनिकों के साथ हिस्सा लिया और इसकी शुरुआत हुई मेरठ के नागरिकों से। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक था जिसमें समाज के हर वर्ग से लोग आए थे और अब ये साबित भी हो चुका है, पर इसकी शुरुआत की थी मेरठ के लोगों ने धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, इसलिए धन सिंह गुर्जर को इस 1857 की क्रांति का जनक कहा जाता है। अब इस क्रांति में धन सिंह गुर्जर का साथ देने वालों के लिए परिणाम बहुत बुरे होने वाले थे। इस क्रांति में और इस क्रांति के बाद हजारों गुर्जरों को शहीद किया गया और साथ ही हजारों की संख्या में गुर्जरों को ब्रिटेन की दूसरी कॉलोनीज में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने के लिए भेज दिया गया। बात करें धन सिंह गुर्जर जी की तो इनकी गिरफ्तारी हुई और 4 जुलाई 1857 को मेरठ के एक चौराहे पर इन्हें फांसी दे दी गई। पर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। धन सिंह गुर्जर का साथ देने के लिए और क्रांति में भाग लेने के लिए धन सिंह गुर्जर के गांव के साथ साथ और भी कई गांवों के किसानों को सजा मिलनी अभी बाकी थी। मेरठ गैजेटियर के मुताबिक 4 जुलाई 1857 की सुबह पांचली गांव पर तोपों से हमला शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरे गांव को नष्ट कर दिया गया, सैकड़ों किसान मारे गए और जो बचे उसमें से कहते हैं कि 46 किसानों को कैद कर लिया गया और उनमें से 40 किसानों को फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि ये आंकड़े 46 से कहीं ज़्यादा माने जाते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि 11 साल की उम्र से ज़्यादा के जितने भी आदमी या लड़के थे उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया गया या तोपों से उन्हें उड़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ गांव गगोल जो था वहां के 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी पर लटका दिया गया और कहते हैं कि इसी गम में आज भी इस गांव गगोल में दशहरा नहीं मनाया जाता। अब साल 1871 में ब्रिटिशर्स ने गुर्जरों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी CTA के अंडर हैबिचुअल क्रिमिनल या आदतन अपराधी घोषित कर दिया और साथ ही गुर्जरों को देश की सबसे क्रूर जाति कहा। ये CTA या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वही एक्ट था जिसमें अंग्रेज किसी एक या दो लोगों को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपराधी घोषित कर देते थे। साथ ही अंग्रेजों ने गुर्जरों को पशु चोर तक का तमगा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि धन सिंह गुर्जर ने क्रांतिकारियों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अंग्रेजों के घोड़े रिहा हुए कैदियों को दे दिए थे जिससे वो जाकर उन क्रांतिकारियों तक धन सिंह गुर्जर का संदेश पहुंचा सकें। जाहिर है अंग्रेजों ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया, ऐसी उपाधियां गुर्जरों को सिर्फ इसलिए दी क्योंकि एक बहुत बड़ी गुर्जर आबादी ने उनके खिलाफ 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति के बहुत सारे नायक और नायिकाओं को याद करते हैं,
पर जिसने इस क्रांति की शुरुआत की, क्या हम उन्हें याद करते हैं? आज हम सबके लिए जरूरी है कि सिर्फ गुर्जर ही नहीं बल्कि हम सब धन सिंह गुर्जर को याद करें, क्योंकि 1857 की क्रांति के इस नायक और इनके जैसे बहुत सारे नायकों ने जो किया वो सिर्फ किसी एक जाति समुदाय या धर्म विशेष के लिए नहीं किया। इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सब जातियों से ऊपर उठकर खुद को हिंदू माने, हिंदुस्तानी माने और जातियों के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें। और यही धन सिंह गुर्जर और इनके जैसे बाकी बहुत सारे क्रांतिकारियों को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा नहीं भी लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और प्लीज़ मुझे अपना रिएक्शन दें जिससे मैं इस तरह के और ज़्यादा वीडियो आगे ला सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।